क्रिकेट का आपको कैसे शौक पैदा हो? रैंडमली बस पैदा हो गया। मेरी एक पैशन है क्रिकेट खेलना, मुझे अच्छा लगता है। अच्छे प्लेयर्स है दुनिया में, बॉलर ऑलराउंडर्स इतने अच्छे थे। वो एक तो हमारे पास एक प्लेयर है जो शहीन शाह अफरीदी है, परफॉर्मेंस ज्यादा खास नहीं थी पहले, बहुत खास थी। अब पहले बाबर आजम तो अच्छे थे, अच्छे करते थे, अब T20s सब कुछ देखे तो फिर बाबर आजम इतने अच्छे नहीं परफॉर्म करते। आगे अपने जो क्रिकेट करियर है किस तरह से देखते हैं? मैं देखता हूँ की क्या शायद इंटरनेशनल खेलूँ, चोटें बहुत ज्यादा लगती हैं, अगर आप पेन थोड़ा सा अनबेरेबल भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शानज़ बुशरा खालिद और आज बात करेंगे जिस तरह से पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, और अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट जगह जगह नजर आती है और हर एज में अगर आप उठाकर देख लें तो आपको क्रिकेट खेलते हुए बच्चे ज़रूर मिलेंगे। और जो काफ़ी अकेडमीज़ हैं पाकिस्तान में, खासतौर पर लाहौर में, जिस तरह से हमें ग्राउंड्स नज़र आते हैं और वहाँ पर हर एज के आपको बच्चे नज़र आते हैं क्रिकेट खेलते हुए, और उनमें जो टैलेंट है और एक जो गॉड गिफ्टेड चीज़ है, इसके हवाले से बात करेंगे तो हमारे साथ एक प्लेयर है, यंग टैलेंट है, 13-14 इनकी एज है और 8 क्लास में है और भी रिसेंटली इन्हें क्रिकेट भी स्टार्ट की, तो उनसे पूछते हैं अब तक कैसा एक्सपीरियंस है और किस तरह से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आइए उनसे ये बात करते हैं। अच्छा बताएं, क्रिकेट का आपको कैसे शौक पैदा हुआ? शौक पैदा हुआ कि रैंडमली बस पैदा हो गया, मुझे नहीं देखा खेलते हुए या फिर मैचेस देखे कोई इस तरह से, या फिर फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट। हम T20s में बड़ा देखता था, अब PSL आ गया वो भी बड़ा देख रहा हूँ मैं, तो फिर क्या क्रिकेट का शौक ज्यादा से ज्यादा हो गया और क्या क्रिकेट का पैशन मेरा बन गया एक। तो फैमिली स्पोर्ट है थी उस तरह से, तो काइंड ऑफ समझ सकते हैं कि फैमिली स्पोर्ट है। क्या मेरी एक पैशन है क्रिकेट खेलना, मुझे अच्छा लगता है, मैं सोचा कि पढ़ाई भी कंटिन्यू करें फिर बस क्रिकेट ही खेलते हैं। ट्राई करता हूँ मैं कंटिन्यू, सोचा कि अच्छी एक फेमस क्रिकेटर बन जाऊँ मैं एक दिन। तो कौन से प्लेयर से आप इंस्पायर हैं? कौन से नौवें तो पहले बाबर आजम से था, अब क्या शहीन शाह अफरीदी को देखा था तो फिर मैं और ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि इतने अच्छे प्लेयर्स हैं दुनिया में, बॉलर ऑलराउंडर्स इतने अच्छे थे। जैसे पाकिस्तान के देखें, अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान के पास ही अच्छे पेसर्स हैं, तो पाकिस्तान की ऐसी मिट्टी में क्या है जो ऐसे जो पेसर्स प्रोड्यूस करते हैं? वो एक तो हमारे पास एक प्लेयर है जो शहीन शाह अफरीदी हैं, वो उनको समझ सकते कि वो शायद फास्ट हों, पर टाइम टू टाइम क्या वो क्या PSL में अगर देखा है तो फिर पहले बहुत एक्यूरेट थे, अब मतलब परफॉर्मेंस थोड़ी खास नहीं है। परफॉर्मेंस ज़्यादा खास नहीं थी पहले, बहुत खास थी, अब क्या थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स तो आ ही जाते हैं। लेकिन कप्तान बाबर आजम की आपने बात की, तो उनके बारे में क्या ख्याल है, पहले इंस्पायर थे अब क्यों नहीं है? पहले बाबर आजम तो अच्छे थे, अच्छे करते थे बैटिंग, अच्छे बैटर हैं, पर अब T20s सब कुछ देखे तो फिर बाबर आजम इतने अच्छे नहीं परफॉर्म करते। नहीं, उन्होंने वैसे PSL में तो काफ़ी अच्छा नहीं खेला, स्ट्राइक रेट देखे उनका काफ़ी अच्छा रहा है। PSL में कैसे तो ठीक ही खेला है, पर फिर भी पेशावर सेमीफाइनल में नहीं आ पाया, तो फिर क्या उनके पास बॉलिंग लाइन तो नहीं था ना? बॉलर्स उनके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं थी बॉलर्स के पास, तो फिर क्या तो आगे अपने जो क्रिकेट करियर है किस तरह से देखते हैं? मैं देखता हूँ कि क्या शायद इंटरनेशनल खेलूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो इससे पहले आप कहाँ खेलते थे क्रिकेट? पहले कहीं भी नहीं खेलता था घर में। अभी अपने स्टार्ट की थोड़ा टाइम ही हुआ। क्या पहले क्या घर में खेलता था अपने पापा के साथ, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा पैशन। तो हार्ड बॉल टफ नहीं होता इस एज में आगे खेलना? हाँ, बड़ा टफ होता है, क्या चोटें बहुत ज़्यादा लगती हैं, अगर आप पेन थोड़ा सा अनबेरेबल भी है। तो आप खुद क्या करते हैं, खुद बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं? मैं ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैं बैटर ज़्यादा अच्छा हूँ, बैटिंग में ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि क्या मैचों में जो मेरे इधर होते हैं मैं क्या शॉट मारता हूँ और क्या। तो कौन से शॉट आप मारते हैं हमें बताएं? क्या सिक्सर्स मारने की कोशिश करता हूँ, पर इसमें डिफरेंट टाइप से मैचेस होते हैं। लगता नहीं जब आप स्टार्ट करते हो क्रिकेट या अगर बैटर हो तो आपको पहले बेसिक्स या टेक्निक्स पे काम करना चाहिए? पर अगर आपको ज़्यादा ऑलरेडी पता है थोड़ा सा तो फिर आपके पास एक एडवांटेज है कि क्या कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। और तो कौन से प्लेयर को देखते हैं, सीखते हैं देख के? आज तक किस प्लेयर को देख रहे हैं? आजकल तो कोई प्लेयर को नहीं देख रहा, मैं बस खुद ही लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे किस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है, आप आते हैं नॉकिंग करते हैं नेट में प्रैक्टिस करते हैं? डेली बेसिस हमारे क्या मैचेस होते हैं इधर, तो फिर क्या उसमें पार्टिसिपेट करके मेरा सेंस बन जाता है क्रिकेट कैसे नॉर्मली होती है। अच्छा, फील्डिंग के बारे में बताएं, फील्डिंग की भी डेली बेसिस पे ड्रिल्स होती हैं प्रैक्टिस होती है? फील्डिंग इतनी भी खास नहीं है, क्या कैच आउट्स कैच ड्रॉप्स फील्ड मिसेज उस तरह हुए हुए मेरे साथ, पर नॉर्मली फील्डिंग डिसेंट कह सकते हैं, ओके सी है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो स्टार्ट ही आपका तो फील्डिंग में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आप पहले बताएं कि आपने कहा आप अच्छे बैटर हैं, तो आप बैटिंग पे किस तरह से काम करते हैं, कितना टाइम आप यहाँ पे ग्राउंड में देते हैं, घर में कितना टाइम आपको लगता है कि मजीद देना चाहिए खुद को?
ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मुझे इधर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मुझे कोच सिखाने चाहिए, मुझे सिखाएं बेसिक्स बैटिंग के, फिर क्या ज़्यादा एडवांस चीज़ें जैसे कि क्या स्टॉप्स शॉट्स उस तरह सब कुछ। तो तब तक कौन सी आप जो हैं शॉट्स जिन पर आप काम कर रहे हैं अभी? क्या मुझे एक तो डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स या यॉर्कर्स स्पिनिंग्स सब कुछ मुझे नहीं पते, वो लर्न करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि कैसी हों, और क्या डिफरेंट बैटिंग टाइप लाइक स्टॉप्स ब्लॉक्स शॉट्स उस तरह भी लर्न कर लूँ। कितना टाइम देते हैं खुद को ग्राउंड में आके? मैचों में मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक तो अंपायर्स कैसे काम करते हैं, बॉलिंग्स किस तरह की हो सकती है, बैटिंग में कितना फियर हो सकता है आउट होने का, और फिर क्या। तो नहीं, अगर आप डेली आते हैं ग्राउंड में तो आप 3 घंटे देते हैं 4 घंटे देते हैं, किस तरह से आपकी प्रैक्टिस चलती है? नॉर्मली क्या 2 घंटे देते हैं, 2 घंटे। तो नेट में आपको प्रैक्टिस मिलती है, वहाँ पे आपको मतलब बारी मिलती है आप? हाँ मिलती है, पर नेट कभी कभी हो, कभी कभी मोस्टली नहीं होता, कभी कभी होता है। तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पे कि आपको सीखने को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट आपको कम ही मिलते हैं। हाँ है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, अगर आप यूज्ड टू हो जाओ सबके साथ, फ्रेंड्स ठीक बन जाओ, रिलेशनशिप ओके बन जाए, न्यूट्रलाइज हो जाओ, तो फिर इन्वायरमेंट ठीक रहती है आप के लिए ज़्यादा। कोचेस पे कितना डिपेंड करते हैं? अभी तो आपने स्टार्ट किया, आपको कुछ टाइम ही हुआ, आपको लगता है कि कोचेस कितनी हेल्प करते हैं एक प्लेयर को बनाने में? कोचेस नॉर्मली क्या आपको सिखाते हैं बताते हैं, पर मैंने अपनी डिपेंडेंसी क्या कम कर दी है कोचेस पे, क्योंकि मुझे पहले का पता था क्रिकेट कैसे खेली जाती है ज़्यादा 16 साल। तो आपको लगता है कोचेस पे इतना डिपेंड होना भी नहीं चाहिए आपको? नहीं, इतना भी डिपेंड नहीं होना चाहिए आपको, थोड़ा सा खुद आपको खुद क्या खुद ही चीज़ें लर्न करनी चाहिए। तो आपको लगता है जो आगे ट्रायल्स आएंगे आप उसमें हमें नज़र भी आएंगे जो अंडर 13 के 16 को, आपको लगता है मज़ीद इस तरह से ट्रायल्स होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए बच्चों के लिए भी? हाँ मिलनी चाहिए, क्या अगर आप लर्न करना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, कोचेस को ज़्यादा देनी चाहिए का, अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं। बहुत वैसे सही बातें की, और थैंक यू सो मच फॉर द टाइम जी। आपने इमारत गुफ्तगु जाने किस तरह से उसको कहना था कि भी रिसेंटली क्रिकेट स्टार्ट की है, लेकिन उसके बावजूद कि कोचेस पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद को टाइम दें, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपके वीकनेस है यहाँ पे आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो भी करें। तो मुझे भी आज के इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।